राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू मीना एंड फैमिली व्लॉग्स। तो गाइज, आज ना मैं रात को व्लॉग बना रही हूँ, और रात को मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि क्योंकि ना आज है मिस्टर शेफ़ का बर्थडे। देखो, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बोलूँगी नहीं, सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि आज मिस्टर शेफ़ का हैप्पी बर्थडे। और सुबह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। और आज ना मैं आपको दिखाती हूँ, मिली है मीशा से, क्योंकि आज थोड़ा मीशा की भी तबीयत ढीली है। इसको हल्का फुल्का कुछ फीवर हो रहा है, हल्का हल्का इसको ना फीवर जैसा फील होने लग रहा है, और थोड़ा इसका कुछ दिक्कत हो रही है। तो ये दिन भर ऐसे ही सोई थी, तो इसलिए ना मूड भी नहीं हुआ यार। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर मन नहीं करता ना कुछ भी करने का, तो बस इसीलिए दिन भर तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि मिस्टर शेफ़ का बर्थडे, तो हमने सोचा चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ तो बनता ही है, तो आज हम सेलिब्रेट करें मिस्टर शेफ़ का बर्थडे। और मैं आप देखिए, हम लेके आए हैं मिस्टर शेफ़ के लिए एक छोटू सा केक। तो कहाँ है बर्थडे बॉय, कहाँ है? देखिए, रक्षित तो बस हर टाइम मोबाइल पे ही लगा रहता है। और मिस्टर शेफ़ के लिए आया है केक, और बच्चों के लिए हम लेके आए हैं भाई, देखिए ये लेके आए हैं हम पिज्जा। तो मीशा, इन्होंने डिमांड कर दी पिज्जा, ये मीशा को ना पिज्जा ही पसंद है। तो ये हमारे वहाँ ना बहुत ही अच्छे भैया रोड साइड में पिज्जा लगाते हैं, तो उनके वहाँ से हम हमेशा ही इस तरीके का पिज्जा जो है वो इन्जॉय कर लेते हैं। तो ये एक तो ये वाला फ्लेवर है, सिंपल फ्लेवर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट क्योंकि सस्ता भी है ना यार, तो इसलिए इससे ज़्यादा सस्ते में आप क्या लेंगे। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये भी आ गया साथ में। तो ये पिज्जा है और ये है, तो हमारी यही पार्टी होगी और हम यही इंजॉय करने वाले। तो ये आ गए हमारे बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, खुशी मना रहे हो। मैं एक साल बूढ़ा हो गया हूँ। हैं? मैं एक साल बूढ़ा हो गया, किसकी खुशी मना रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे बुढ़ापे की खुशी मना रहे हम है ना। तो देखिए, बुढ़ापे की तो खुशी मनाई जाती है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, बुढ़ापे में लोग रिटायर हो जाते हैं तो एंजॉय करते हैं लाइफ को, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करते हैं। नहीं, अभी पूरे जिंदगी भर तो फिर पैसा वैसा कमाते रहते हैं, इसीलिए तो यही समय होता है एंजॉय करने का। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा, बहुत खूबसूरत सा सेटअप यहाँ पे तैयार हो रखा है। अब मिस्टर शेफ केक काटेंगे, तो देखिए नाइफ तो हम इसी में भूल गए थे। और ना मैंने एक चीज़ और बनाई है, देखिए मैंने बनाया है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा भी बनाया, अभी ना प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, सिर्फ इसको मैंने बॉईल करके, मतलब जो भी इसको करते हैं ना वो कर लिया है, और इसको छौंकूंगी अभी। ठीक है, तो यही सोचा था कि पार्टी कर लेंगे, थोड़ा गाजर का हलवा भी खा लेंगे, पर वो अभी रेडी नहीं हो पाया है। तो जब रेडी होगा हम तब गाजर का हलवा खाएंगे, कल सुबह खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो मीठा आ ही गया। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं मिलके मिस्टर शेफ का बर्थडे। आ जाओ बच्चों, आ, ये देखो इसके नखरे, मोबाइल लेके बैठा हुआ, आ नहीं रहा मोबाइल छोड़ के। आ जा, मैं तो केक खिलाऊंगा। बस शुरू हो गई इनकी लड़ाई, ये देखो ये ऐसे ही करता है। चलो भाई चलो, जो नहीं आ रहा अपने आप रहेगा, हम तो हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मीशा थोड़े देर को आ जाओ बेटा, चलो। हाँ, तो अपने बुढ़ों का हैप्पी बर्थडे मना रहे, खुश तो बहुत होगी। हाँ चलो तुम केक काटो। चलिए देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीशा को खिलाओ ना, मीशा को। अरे पहले मीशा को, बर्थडे तुम्हारा मेरा थोड़ी ना। लो जी केक खाओ। मैंने सोचा थोड़ा सा खाएंगे, पूरा खा जाए। ओए ये लो। चलो मीशा, मीशा भी खिलाएगी पापा को केक। तो देखिए आज मीशा थोड़ी ढीली हो रही है, हमारे घर की जान जो है वो थोड़ा सुस्त पड़ी है, सारी रौनक इसी से है और यही सुस्त हो गई है, वरना अभी तक कितना हंगामा मचा चुकी होती, पापा का बर्थडे, ये मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ये खिलाओ, अभी तक पता नहीं कितना हंगामा हो गया होता। ये देखिए हमारा हमारा रुसाड़ू पहले वो एक अंगुली जरूर लगाता है आपने जब भी काटा है। जब तक ये हाथ ना लगाए खुद का, तब तक कोई पूरा नहीं होता। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, क्लैपिंग कर दो बच्चों, पापा के बर्थडे हैप्पी बर्थडे।
गया, मैं लगाऊं। ये तो गाइस केक कट चुका है और अब होगी इनकी, देखिए ये पिज्जा पार्टी। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना पिज्जा यार, है ना यार, बहुत सस्ते में बनाता है और बहुत यम्मी बनाता है। मतलब मैं तो नहीं खाती, मतलब बच्चे खाते हैं तो इसलिए इनको पता होगा यम्मी बनाता है, देखने में से तो सही लगता है, है ना मीशा? अच्छा बनता है ना इनका, दे देगी। अंकल का पिज्जा अच्छा बनता है ना? हाँ, यम्मी होता है। हाँ तो मैं किसी दिन आपके लिए ना इन पिज्जा वाले भैया की वीडियो लेके आऊंगी जरूर अपने चैनल पे, ठीक है? तो आप इंजॉय कीजिए। सस्ता और मस्ता, अगले बार मोमोज पिज्जा है। हाँ भैया के पास मोमोज पिज्जा भी मिलता है क्योंकि, है ना, हर प्रकार के पिज्जा मिलते हैं। हाँ तो चलिए अब ये हैप्पी बर्थडे वाला केक जो है वो कट चुका है, हार्ट जो है ये लो, तुम्हारा दिल रह गया यहाँ पे, तुम्हारा दिल, एक दिल पापा का मीशा के पास जा रहा है, एक दिल पापा का रक्षित के पास जाएगा और एक दिल पापा का मेरे पास आएगा। तीन दिल रक्षित के पास चला गया, एक दिल तुम्हारा ये रहा। खा लेते लो, मैं दिल को ये दिल को तोड़ना मत। तो देखिए गाइस मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, ठंडे ठंडे पानी से, बहुत ठंड लग रही थी। और मीशा, हाँ मीशा पिज्जा खाना शुरू हो गई है और रक्षित ने भी अपना पिज्जा ले लिया है और थोड़ा जो केक है ना वो हम अभी ना नीचे भी देंगे क्योंकि नीचे भी बच्चे है ना, तो उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये हाफ केक ये हमारा हो गया, ये नीचे दे देंगे। और क्या नाम है, पापा वगैरह को मम्मी वगैरह को हमने पहले ही दे दिया। और कविता के घर भी गए थे, मैं वीडियो बनाना भूल गई, हम कविता को भी पिज्जा और ये पेस्ट्री वगैरह दे आए हैं। तो सबको मिस्टर शेफ के बर्थडे की पार्टी हमने दे दी है। हाँ तो मिस्टर शेफ जा रहे हैं अभी नीचे केक देने और हमने पार्टी, यही छोटी मोटी पार्टी होती है यार, हम साधारण से लोग सिंपल से फैमिली हमारी इसी तरीके की पार्टी करते हैं। वैसे भी अब इतने बड़े हो गए हैं, मतलब जैसे कि मिस्टर शेफ ने बोला था बूढ़े होने जा रहे हैं, तो क्या मतलब बड़े बड़े इतना ज़्यादा क्या सेलिब्रेट करना, पर एक खुशी का दिन होता है तो उसको थोड़ा सा मुँह मीठा करके हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस बच्चों की खुशी के लिए, उनको पिज्जा पसंद है वो खा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ सेलिब्रेशन हम लोग घर पर ही कर लेते हैं, ज़्यादा क्या करें, है ना। तो चलिए यही है, मेरा बाबू कुछ कहने वाला है। हाँ कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पिज्जा देखने में कैसा लग रहा था और आपको क्या पिज्जा की वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ना पिज्जा की आपके लिए स्पेशल एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। और कौतिक वाली वीडियो तो देख ही लूंगी, कैसा लगा प्लीज कमेंट भी कीजिए कि कैसा लग रहा है हमारी वीडियोज देख के आपको, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही और अब हम लोग बस यही, ये लोग खा पी रहे हैं, मैंने तो राम लड्डू खा लिए थे तो इसलिए अब मैं कुछ और खाऊंगी नहीं, तो हो गया हमारी पार्टी हो गई है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, टिल देन बाय बाय, राधे राधे।